विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम प्रयागराज संगम तट पर माघ मेले की तैयारियां अंतिम चरण पर है। माघ मेले लगने में कुछ ही दिन रह गए हैं। मेले के दौरान संगम में पूर्ण की डुबकी लगाने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए एक और जोर शोर से तैयारियां चल रही है, तो वहीं स्थानीय लोगों ने भी सेवा सत्कार के लिए तैयारियां जोरों पर है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद बनाने की परेशानी ना हो, इसके लिए संगम क्षेत्र की रहने वाली महिलाएं मिट्टी के चूल्हे और गोबर के उपले तैयार करने में बिजी हैं। इन महिलाओं को अब इंतजार सिर्फ श्रद्धालुओं को है, जो आकर यहां पर मिट्टी के चूल्हे और गोबर के उपले खरीदेंगे। एक दिन में बनाते हैं 40 से 50 चूल्हे। वर्षों से माघ मेले कुंभ मेले के लिए मिट्टी के खास चूल्हे बनाने वाली महिलाएं अंजलि का कहना है कि बाहर रोज 40 से 50 चूल्हे बना लेती हैं। इस साल भी महिलाओं ने सैकड़ों चूल्हे तैयार कर ली हैं और अभी भी मिट्टी का चूल्हा बनाने में व्यस्त हैं। इसके साथ ही उपले पातने का भी काम कर रही हैं महिलाएं। यहीं उगती ठंड में कल्पासी जलाते हैं। उपली आम तौर पर कल्पासियों को कड़ाके ठंड से हाथ पैर सेकने में मदद पड़ती है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि साधु संत कल्पासियों की पहली पसंद गाय के गोबर और मिट्टी के चूल्हे हैं। खाना बनाने के साथ साथ श्रद्धालु उपले का प्रयोग ठंड से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। संगम क्षेत्र में इस समय भारी संख्या में मिट्टी के चूल्हे और गोबर के उपले तैयार हो गए हैं। महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक यह तैयारी मिट्टी के चूल्हे बनाने में व्यस्त हैं। यह चूल्हा 50 रुपये 70 रुपये के बीच में है, साथ ही साथ 100 रुपये 120 रुपये में 100 उपले मिलते हैं। इसलिए माघ मेले के लिए 3-4 माह पहले से ही चूल्हा बनाने की तैयारी चल जाती है। तीर्थ पुरोहित असीम भरद्वाज ने कहा कि संगम नगरी में आने वाले भक्त मिट्टी के बर्तन से भोजन तैयार करते हैं, जिससे उनका जो कल्पवास है वो पूरी तरीके से स्वच्छता का प्रतीक हो, क्योंकि धार्मिक समागम में ये पूरा कल्पवास में सात्विक भोजन करते हैं और इसमें किसी भी तरीके से धार्मिक ठेस न पहुँचे, इसको ध्यान में रखते हुए शुद्ध मिट्टी और गंगा जल के बालू और गाय के गोबर से मिश्रित में यह चूल्हे तैयार किए जाते हैं। पूरे एक माह कल्पवासी इसी चूल्हे में सादा भोजन तैयार करते हैं और सुबह शाम इसी भोजन तैयार करके अपना पेट भरते हैं। कल्पवासियों का जीवन बहुत ही निराला होता है, बहुत ही शांति और श्रद्धा और भक्ति भाव में डूबा रहता है। पूरे एक माह या इसी दिनचर्या के साथ कल्पवास करते हैं। 2-3 महीना पहले से बनाते हैं, चूल्हा बनाते हैं, कंडी बनाते हैं और कल्पवासियों के लिए बनता है। कल्पवासी लोग खाना बनाते हैं इसमें चूल्हे में, कंडी भी है आग जलाने के लिए, तापते भी हैं, खाना भी बनाते हैं। 30-35-40 जैसे मेहनत करेंगे दिन भर वैसा ही बनेगा। बना के उसको छुरी से रखना पड़ता है, पानी बरसे बारिश हो तब उसको सुधार के रखना पड़ता है, नहीं तो भीग भी जाता है तो मेहनत भी डाढ़ हो जाती है। केवल मिट्टी अकेले यूज होता है, बन जाता है 1000-1500। कंडी तो ज़्यादा बन जाता है, चूल्हा तो बहुत कम बनता है। 100 कंडी 100 रुपए का। मेरा नाम अंजलि है। 2 महीने पहले से चूल्हे बनने चालू हो जाते हैं, जो भी कुम्हार लोग रहते हैं वो। और मेले में चूल्हे का महत्व भी है, मेले में चूल्हे का महत्व भी है, मिट्टी के चूल्हे का। गंगा जी की मिट्टी है इस वजह से। उसके अलावा गैस वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं मेले में, दुर्घटना भी हो सकती है। और चूल्हा सदियों से ये लोग इस्तेमाल करते आए हैं, इसलिए उसको उत्तम ये मानते हैं। मैं असीम भारद्वाज, तीर्थ पुरोहित, प्रयागवाल।